नमस्कार दर्शकों, जय ओ मिरर्स में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा राय कैमरामैन चंदा के साथ अभी हम पहुंचे हैं जयगांव के विवेकानंद कॉलोनी में स्थित सुकांतो स्कूल में, जहां पर आज द्वारे सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए अंदर चलकर आप लोगों को यहां का दृश्य दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आज जो द्वारे सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर कितने स्कीम का स्टॉल लगाया गया है, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं बात करके। तो दर्शकों, फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर एक मैम खड़ी है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? पार्वती बर्मन। पार्वती बर्मन जी। क्या करने के लिए आए थे आज यहाँ पर? एससी का के लिए आई हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए? हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आई हूँ। और अभी बना जमा देंगे। अभी जमा दे दिए? हाँ देंगे, अभी अभी देंगे। फॉर्म तो कलेक्ट कर, फॉर्म कलेक्ट कर दिया। कितने बजे आए थे यहाँ पर? अभी आया था मैंने 11:30 बजे। 11:30 बजे जी। मतलब फॉर्म कलेक्ट कर चुके हैं और फिलअप करके सिर्फ करेंगे, अभी जमा करेंगे। जमा करना बाकी जी। हाँ, तो यहाँ का कार्य आज कैसे चल रहा है? बस ऐसे तो भीड़ भाड़ बहुत चलती है, मतलब किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, ये बात है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है भीड़ तो बहुत है, पर कोई लाइन मेंटेन नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसे लाइन लगता ही नहीं है और बाकी सब सुनता भी नहीं है, कोई ऐसे सुविधा नहीं है यहाँ पर। प्रशासन मतलब सुरक्षा देने के लिए, जो मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं, ऐसे ऐसे कोई नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। वो तो क्या है ना, अपने मर्जी से आता है जो, ऐसे फिर बिना लाइन में घुस जाता है और लगा लेता है लाइन कि मेरे लाइन आ गया, मेरे को पहले चाहिए। तो आपको मतलब कोई असुविधा हुआ यहाँ पर? नहीं, ऐसे तो कोई सुविधा नहीं है, बस ऐसे ही है। हम लोग भी आया है, अभी उस दिन भी आया था तो घूम के चला गया, कुछ बना नहीं है। बहुत जब पहली बार यहाँ पर हुआ था उस टाइम भी आए थे? आया था, लेकिन उस टाइम भी हुआ नहीं है। उस टाइम नहीं हुआ जी। तो आज आपका काम? आज तो हो जाएगा ऐसे लगता है, लेकिन अभी तो हुआ नहीं, सिर्फ सबमिशन करना था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? हमारा नाम कॉफी दे। कॉफी दे, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर कितना मतलब कितने स्कीम का स्टॉल लगा गया आपको पता है? सब पता नहीं है, घूमते घूमते देखना पड़ेगा, थोड़ा आधा मालूम है हमको। आधा मालूम क्या क्या है? स्वास्थ्य साथी, जॉब कार्ड, रेशन कार्ड, आधार लिंक, लक्ष्मी भंडार। तो आज यहाँ पर आप मतलब क्या क्या फॉर्म फिलअप करने के लिए आए? क्या मतलब फॉर्म फिलअप करने आया? आधार आधार कार्ड अपडेट करने? आधार कार्ड तो अपडेट नहीं है। आधार कार्ड तो अपडेट नहीं है, उसको बनाने के लिए? हाँ। कितने बजे आए यहाँ पर? हम 8 बजे आया। सुबह 8 बजे आए हैं, अभी तो 12 बजे अभी हो गया हमारा, एक ठो और एक ठो बाकी है। एक ठो काम, एक काम हो गया, एक काम बाकी। हाँ। क्या काम करने का, क्या काम बाकी है? हमको आधार लिंक करना बाकी है। आधार लिंक करना बाकी है? फॉर्म ले चुके होंगे? फॉर्म नहीं आए, बोल रहा है अपडेट करना बाकी नहीं है, आधार लिंक का अपडेट करने का फॉर्म नहीं है। जैसे कि सुनने में आया था कि यहाँ पर आज मतलब बेद बेस स्कूल में भी हो रहा है ना जीपी द्वारे सरकार का प्रोग्राम? हाँ। वहाँ जाकर आप लोग नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हम लोग को तो जीपी में यही है, एरिया भाग 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 किया पंचायत मेंबर लोग। आप लोगों का यहाँ पर वार्ड? हाँ, ये शांति में ही किया काम, मतलब कोई दिक्कत? शांति नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अच्छे से काम करा, समझाए हम लोग का। ठीक है, धन्यवाद मैम।
तो दर्शकों फिलहाल मेरे साथ में जयगांव GP2 के श्रीमती छुंकू लामा मैम मेरे साथ उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के विषय में, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका जयगांव मेरठ में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं आज यहाँ पर द्वारे सरकार का कार्यक्रम चल रहा है तो यहाँ पर आज कई स्कीम का स्टॉल लगाया गया देखने में आ रहा है, तो यहाँ पर आज कितने स्कीम का स्टॉल लगाया गया है? यहाँ पर टोटल सब मिला के 21 है। 21 है। जैसे कि मतलब यहाँ पर मतलब जैसे कि मेन वेन्यू आज यहाँ पर सुकांत स्कूल में था, यहाँ इस प्रोग्राम का सुनने में आया था, पर यहाँ पर मतलब पब्लिक के सुविधा के लिए डिवाइड कर दिया गया है कैंप को, क्या है जी? ये मेन जगह ये सुकांत स्कूल में और दूसरा सेकेंड है नेपाली बेदवेस स्कूल में और दूसरा जगह भी लगाया जमा कैंप छेटो लगाया हुआ है। मतलब छह बार कर दिया गया है। एडिशन किया है, वार्ड में किया है। पब्लिक की सुविधा के लिए मेन तो पब्लिक के लिए, क्योंकि वो लोग के लिए हम लोग जो दीदी ने दिया है हम लोग को सरकार है ना, सुविधा के लिए मेन तो लेडीज लोग के लिए, इसलिए हमने पब्लिक को हेरेसमेंट ना हो के बोल के हम लोग छह जगह भाग करके रखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो दर्शकों इसी के साथ यहाँ पर सर भी खड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि सर उप प्रधान के रूप में रह चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? गाँव लंबा मेरा। सर सबसे पहले तो आपका भी जय गोमेर में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर आज का जो ये कार्यक्रम है इसके विषय में बताएं। जो हम लोग का आज जो दौरे सरकार हो रहे होने जा रहा है, मतलब इधर हो रहा है, मतलब हम लोग इधर एक स्टोर मतलब काउंटर लगाया है दौरे सरकार का, मतलब भीड़ होने कारण से हम लोग फिर सेकेंड में जो मेन कैम्प यहाँ है और बेदबेस नेपाली स्कूल में भी है और छेटो एडिशनल कैम्प लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन स्कूल में है और यूथ स्पोर्टिंग क्लब में है, गुआवारी में है और आपका SSK झरना बस्ती में है, आपका टोटल छः, टोटल मिलकर 8 हो गया आपका, टोटल मिलकर 8 हो गया जी। मतलब 8 जगह में मतलब भाग कर दिया गया है कैम्प। मतलब विशेष क्या है, मतलब लक्ष्मी भंडार का लिए जो भीड़ भाड़ होता है ना, जो दीदी ने स्कीम दिया है आपको लेडीज लोग के लिए, इस कारण से हम लोग एडिशनल कैंप 6 लगाए हैं, टोटल 8 है हम लोग को, बड़ा कैंप इधर ही हो रहा है। क्योंकि अभी महामारी जब बीमारी भी खत्म नहीं हुआ है इसको देखते हुए सुविधा के लिए जनता जी कोविड का विशेष लेकर जो दीदी का जो ऑर्डर है, जो कि नहीं मास्क पहनने के लिए हुआ, मेंटेनेंस फॉलो करने के लिए हुआ, कोविड के लिए डिस्टेंस फॉलो करने के लिए, इस कारण से हम लोग इसके लिए हम लोग भाग किया कि भीड़ ना हो, कोई मतलब झमेला ना हो, कारण से हम लोग एडिशनल कैंप लगाए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका भी। दर्शकों GP2 के प्रधान छुंकू लामा मैम से बात करने से हमें जानकारी मिली कि आज जो मेन वेन्यू था सुकांतो स्कूल में द्वारे सरकार का और लोगों की सुविधाओं के लिए इस कैंप को पूरे 6 वार्ड में भाग कर दिया गया है और एक यहाँ पर नेपाली बेदबेस प्राइमरी स्कूल में ये द्वारे सरकार का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। आइए यहाँ के लोगों से भी जानते हैं यहाँ पर कितना मतलब स्कीम का स्टॉल लगाया गया है, आइए जानते हैं। तो दर्शकों अभी हम बेदबेस नेपाली स्कूल प्राइमरी स्कूल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर टोटल 4 स्टॉल लगाया गया है, एक स्वास्थ्य साथी कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट और डिजिटल राशन कार्ड, खाद्य साथी कार्ड और साथ ही लक्ष्मी भंडारा का स्कीम का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर लोग लाइन पे खड़े हैं स्कीम के लाभ लेने के लिए, आइए यहाँ जो लाइन पे खड़े हैं उन लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? रूमी। कहाँ से आए हैं? अभी तो हम त्रिवेणी टोल से हैं। त्रिवेणी टोल से। तो आज यहाँ पर जो द्वारे सरकार का कार्य चल रहा है तो आप यहाँ पर क्या चीज़ के लिए आए, क्या करने? यहाँ पे हेल्थ कार्ड के लिए आए। हेल्थ कार्ड के लिए कब से रुके हुए हैं यहाँ पे? अभी हमें आए आधा घंटा भी नहीं हुआ, 20 मिनट हुआ होगा। फॉर्म कलेक्ट कर चुके हैं? नहीं अभी नहीं किया, अभी लेना है फॉर्म, भी लेना है लाइन से खड़े। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मैं सुनीता लामा।
मैम आज आप लोग यहाँ पर बैठ के मतलब लोगों को किस प्रकार से सुविधा दे रहे हैं? हम लोग गवर्नमेंट का जो फॉर्म दिया है हम लोग को जनता अपना खुद ही भर नहीं सका है, इसलिए हम लोग फुरबा लामा का द्वारा हम लोग यहाँ पर नेतृत्व में यहाँ पर जनता का हेल्प करने के लिए फॉर्म भरने के लिए बैठा है। यहाँ पर आप लोग मतलब किस किस स्कीम के मतलब स्कीम का सुविधा दे रहे हैं? जैसे स्कीम तो जो ओल्ड एज पेंशन का भी नीचे से फॉर्म लेके आ रहे हैं उसको भी यहीं पर हम लोग जितना पर हम लोग का वार्ड का मेम्बर्स जितना भी जनता है वो लोग यहीं पर लेके बढ़ रहे हैं। वायरस दूसरा ये लक्ष्मी भंडार का भी वो सभी हम लोग यहीं से बढ़ रहे हैं। लोगों को आप लोगों का तरफ से सुविधा मिल रहा है? जी ठीक है, धन्यवाद मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका जय गोम मिरर्स में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको सर। जैसे कि आज यहाँ पर द्वारे सरकार का कार्यक्रम चल रहा है तो आज आप यहाँ पर लोगों को किस तरह से सहायता कर रहे हैं लोगों का? नमस्कार पहले तो सभी को, जय गो मिरर्स जितना भी देख रहे व्यूअर्स को सभी को फुरबालामा के ओर से नमस्कार जनाता हूँ। और आज पश्चिम बंगाल सरकार सुश्री ममता बनर्जी दीदी हम लोग का दीदी के ओर से आज ये दुआरे सरकार का कैंप हमारे ये वेदवेश स्कूल में हो रहा है। और यहाँ पर जितना भी जयगांव का पब्लिक यहाँ पर दुआरे सरकार का कैंप में जो सुख सुविधा उठाने के लिए आएंगे वो वहाँ से फॉर्म लेंगे, वो फॉर्म फिलअप करने ताकि पब्लिक को सुविधा हो बोल के हमने यहाँ पर देख लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 20 से 25 भाई बहन लोग रखा है यहाँ पर, वो लोग पब्लिक का फॉर्म फिलअप करके ताकि वो लोग को सुविधा दे सके। लोगों की सुविधा के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे? डेफिनेटली हमारा त्रिवेणी टोल का ओर से पूरा जयगांव का पब्लिक के लिए यहाँ पर लोगों के सुविधा के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। आज यहाँ पर जो नेपाली ये वेदवेश स्कूल में जो जो स्कीम रखा गया उसके बारे में बता सकते हैं? जी हमको जयगांव ग्राम पंचायत दो प्रशासन की ओर से हमको यही सूचित किया था कि यहाँ पर चार्टर डिपार्टमेंट का आज यहाँ पर सुविधा रखेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका ये लक्ष्मी भंडार। यहाँ पर लक्ष्मी भंडार तीन कार्यक्रम तो बहुत अच्छा से हुआ यहाँ पर, लेकिन खाद्य साथी जैसे कि यहाँ पर ये राशन कार्ड का यहाँ पर सुविधा नहीं हो पाया, हमने ब्लॉक प्रशासन को भी फ़ोन किया था, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया था, वो लोग का कहना है कि आने वाला दिनों में हम लोग इसका सुविधा भी दिया जाएगा। और संपूर्ण जयगांव को ओर से हमारा त्रिवेणी टोल को ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की नेत्री जननेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को, जो उन्होंने ये कोरोना कार्यकाल में भी ये आपका लक्ष्मी भंडार जैसा सुविधा हमारे ये नारी शक्ति को और प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि सर GP2 में इस बार जो मेन वेन्यू था सुकांत स्कूल में और कालचीनी ब्लॉक में जो द्वारा सरकार का मतलब जो शेड्यूल दिया गया और मतलब एक बार भी हो रहा है ना यहाँ पर? जी यहाँ पर चार्टो कैंप हो रहा है, चार्टो कैंप में ये शायद दो नंबर का कैंप है और कैंप लग रहा है, जैसे कि एडिशनल कैंप वगैरह भी लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से आपके ये जयगांव मिरर को ओर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जयगांव को जनता को आप लोग मतलब उत्तेजित ना हो, ये कैंप आपका घर घर में आपका द्वार द्वार में बार बार होते रहेगा, जब तक दीदी का सरकार बंगाल में तब तक आप लोगों को ये सुविधा के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। न्यू कलिम्पोंग स्टोर्स डील्स इन बुद्धिस्ट रिलीजियस आइटम्स एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर्स Wholesale and Retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.